सभी पशुपालकों को रमेश अजवाणा की तरफ से नमस्कार। भाई जो आज का अपना वीडियो है बहुत ही शानदार होने वाला है, बहुत ही बढ़िया वीडियो आज सभी भाइयों के सामने लेकर आया हूं और बहुत ही भारी भरकम बहस भाई। और आज का वीडियो है जो अपना पंजाब से आप निकाल कर लेकर आए हैं, पंजाब की धरती से, और सभी भाइयों को मान है हरियाणा पंजाब पे, क्योंकि बहुत ही बढ़िया झोटियां सभी भाई तैयार करते हैं। आज फिर कैमरे के सामने देखें बहुत ही बड़े ऑर्डर की बहस है, क्योंकि झोटी को देख के ही पता चल जाए। और भाई देखो हरियाणा पंजाब ने तो बहुत ही बढ़िया काम किए हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहे हैं, या कोई मुर्रा तैयार करनी हो या फिर कुछ दूध तलवाना हो, और बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्लेयर चलकर हरियाणा पंजाब ने दिए है। मान है हरियाणा पंजाब की धरती से, क्योंकि एक अच्छे कबड्डी खेलने वाले प्लेयर बाहर जाके भी खेलते रहे हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया खेलते रहे हैं। और आजकल साथ साथ में देखो मुर्रा का भी बहुत ही बढ़िया, दोनों भाई हरियाणा और पंजाब मिलके काम कर रहे हैं। राम राम जी। राम राम जी रमेश भाई, थोड़ा आउन से साडे पिंड दे बहुत धन्यवाद भाई। ठीक है, धन्यवाद जी आपका। आपने पहले अपना एड्रेस दस दियो। एड्रेस मेरा भाई जी पिंड दौणकला, जिला पटियाला जी, तहसील भी पटियाला ही है। तहसील भी अपना पटियाले है और जिला भी पटियाला है। गांव कौन सा अपना? ये दौणकला पैंदा जी, बहादुरगढ़ दे नेड़े, पटियाले तो 8 बहादुरगढ़ दे नेड़े है। हां जी हां जी हां। ठीक ठीक। अपना पास जो भैंस आई है भाई साहब, हां जी हां जी, कितना दूध किया, कहां से आप इसको लेकर आए भाई? ये ना भाई जी, मैं ना इन्हू बाखड़ लिया सी अंकुर फ्रांस वाले तो। अंकुर फ्रांस वाले से? हां जी हां, ओ तो आपा लेके आए सी, तोकड़ ले गए सी। मतलब ओदो हे 6 महीने दी गब्बण सी। 6 महीने की गब्बण थी। हां जी हां जी। ठीक है बात। ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅੰਕਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ 22 23 ਕਿਲੋ ਪਿੱਛੇ। 22 23 ਕਿਲੋ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ। ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ ਕੌਣ ਸੇ ਟੀਕੇ ਸੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੈ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੋ? ਨਾ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਦੀ ਟੀਕੇ ਦੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੇ ਹੀ। ਹਾਂ। बाहर निकाल ले एक बार भैंस को, बाहर निकाल के दिखाएंगे, थोड़ा सा गेट खोल के बाहर ले चल। फिर भी भाई साहब आपने जैसे देखा हो, आपके घर आके दूध नहीं दिया इसने? ना जी ना, उन्हें अंकर ने मतलब ड्राई करती थी, मैं तो धारा मार के मतलब ठंड पास करके ले गया। ठंड पास करके लेके आया? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है बात, ठंड पास करके लेके आया। समय कितने का निकाल देगी आपके हिसाब से? ले जू हफ्ता ही था। हफ्ता आराम से लेगी? फिर तो बहुत ही बड़े ऑर्डर पे चली जाओगी। ठीक है ठीक है बात। देखें आपने पहले भी देखी है कोई वीडियो देखी हो इसकी या फिर कोई? हाँ जी, वीडियो जी अंकुर कोले दी देखी होगी आपने, दिखाई होगी भाई ने। अंकुर कोले वीडियो देख के ले गए जी। एडी बड़ी मज नहीं, दूध नहीं देना, और केड़ी दोगी जी। ठीक है बात। और ऑर्डर देख के पता चल रहा भाई, देखो बहुत बढ़िया दूध देना चाहिए, जैसे इसने बताया भाई हफ्ता ले लेगी। अगर हफ्ता निकाल दिया ना तो बहुत बड़े ऑर्डर पे जाएगी। देखें अब भी बहुत ही बड़ा ऑर्डर है भैंस का, और चौड़ी चाड़ी काफी ज्यादा देखें, बहुत ही शानदार उठेगी, क्योंकि एक अच्छे एरिए से निकल कर आई है और अच्छी लगी तो भाई ने खरीद की है इसकी। हाँ जी हाँ। बखड़ी लेकर आया क्योंकि अंकुर भाई पे कोई विश्वास करके भाई लेकर आया है, और बनने भी लग रही है जिस विश्वास पे भाई लेकर आया। देखें ऑर्डर देख के जैसे भाई ने बताया था, भाई मैंने ऑर्डर देखा था तो बहुत ही बढ़िया थी, और आज भाई की उम्मीदों पर जो खरी उतरेगी। ले आए मेरी साइड में भाई साहब, हाइट भी बहुत ही बढ़िया है, काफी शानदार हाइट की है, फेस काफी शानदार है। ब्याह कौन से में भाई साहब? तीजे सूर्य के चौथे सूर्य। अच्छा जी, रोक कर आराम से लेकर। ये नहीं पता जी कौन से ब्याह में है? ना जी ना, ये नहीं पता। ना ना ना, ठीक है बात। बाखड़ी लेकर आए भाई, बिल्कुल सच्चाई बोल रहे हैं, क्योंकि पता भी नहीं है भाई कौन से ब्याह में, तीसरे में है या फिर चौथे ब्याह में है, यानी कि काफी बड़े ऑर्डर पे जाने वाली जोड़ती है। देखें और देखें भाई, मुर्रा तैयार करने में पंजाब भी कुछ कम नहीं रहा है, बहुत ही शानदार जोटियां यहाँ मिलती है, क्योंकि एक अच्छी मेहनत इन्होंने की है। हरियाणा से काफी ज्यादा झोटियां पंजाब में आ चुकी हैं, क्योंकि कोई भी वीडियो कवर करते हैं तो पता चलता है कौन लेके गया भाई, वो झोटी पंजाब में चलेगी यही पता चलता है। और एक अच्छे पशु तैयार करने में ये भाई भी बहुत ही ज्यादा कामयाब हुए हैं। और मैं तो ये कहता हूँ, नीली रावी का ये एरिया था, नीली रावी बहुत ही ज्यादा मिलती थी पंजाब के अंदर। आज देखें कैमरे के सामने बहुत ही शानदार मुर्रा निकल के आई है भाई, और क्योंकि भाई ने तैयारी किया, काफी शानदार तैयारी किया, दो तीन पशु हो रहे हैं इसके पास, वो भी सारे के सारे काफी शानदार रखे हैं। ले आए मेरी साइड में, ले लें अंदर ले चलें, आराम से ले चलें जी। और देख बहुत ही शानदार है भाई, क्योंकि इतना स्पेस नहीं मिलता, मुट्ठी का थन नहीं मिलता ऐसा देखें। और चुआई तो जी आप देखियो को नहीं, फिर कैसी थन पास जरूर करके ले जी। थन पास करके ले, बहुत बढ़िया है। आजी आजी। क्योंकि मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ, आपने चुआई चुई की हो तो पता चल जाए पूरी तरह से। और आप रेट क्या करेंगे जी इसका?
कैमरे के सामने है, बहुत ही बड़े ऑर्डर पे जाएगी। और जैसे बताया भाई एक हफ्ता ले लियो तो बहुत ही शानदार तैयार होगी। जिस भाई ने लेनी है भाई संपर्क में आ सकते हैं। थोड़ा सा और इस साइड में घुमा दे, इस ब्रांड की तरफ लेके जाए एक बार। बहुत भारी वर्कम बैस, यानी कि हाथी का बच्चा ही मान के चलो, ऐसी भैंस है भाई। पूरी तरह से कवर करांगे ताकि किसी भाई ने कोई परेशानी ना। पुट्ठा देखें, बहुत ही चौड़े फुट्ठे की है। और नीचे से जो स्पेस है एक बार दिखाएंगे सभी भाइयों को, देखें भाई बहुत बड़े ऑर्डर पे जाएगी। एक हफ्ता निकाल दियो क्योंकि अभी जो ये सिस्टम है बिल्कुल खाली है और मजबूत ठनकी है देखें। और जो टेल है बिल्कुल जेड ब्लैक होगी मेरे ख्याल से। बिल्कुल जेड ब्लैक है। टेल जी दी बामणी लगी सी, कटवा दी सी आपा। अच्छा जी बामणी इसमें लगी थी, कितना का है? वो तो पूरी है टेल दो ना। वो तो पूरी है जी। हां पूरी है, देखो पता चल जा अपना भाई कैसी मेहनत करने वाला। और पशु लेके अपने फार्म पे कैसे पशु लेके आवे उसे तो पता चल रहा अपना है। जो और पशु है एक और दिखाओ जी अपना। तो पशु तो आप कह रहे थे ना उधर साइड से लेकर आए आपा। उधर सर्टिफिकेट दिखाई नहीं, वो तो कोई गल नहीं, वैसे ही बता दीजिए। ठीक है जी, मज अपनी। अच्छा ये मज कहां से लेके आए आपा? ये महेंद्रगढ़ के नेड़े पिंड मुंडा दिनेश मडाणा गांव है। मडाणा गांव है। हां जी हां। कितना 25 किलो 180 ग्राम रिकॉर्ड है ना? रिकॉर्ड है 25 किलो 180 ग्राम का। हां सर्टिफिकेट भी आप मिले भाई। चलो रिकॉर्ड छोड़ो, जो अपने फार्म पे आई है ये। अपने को 23 किलो दूध दे। 23 किलो दूध कड्या, संतुष्टि है पूरी। कंडा अंदर पे कंडे लाउंदे रहे। ठीक है, संतुष्टि है अपना पूरी। क्योंकि कुछ भाई ये कहते हैं लेके आवा ना भाई, मेरे आके पूरा दूध नहीं दिया जी। ना मैं कहा मैं नजारे बनते जी। ए देखो नजारे बनते। हां जी हां। हरियाणा की भैंस कैसा दूध निकाला भाई साहब, बढ़िया निकाला। दुनिया दिखा दी। वाह जी वाह, क्या बात है। देखें भाई बहुत ही शानदार भैंस है, बिल्कुल छोटे सींग में है। और अब कितने दिन की प्रेग्नेंट है? गाभण है। आज भी 15-16 किलो दूध है ये कटड़ा इसका। देखें भाई कटड़ा भी बहुत बढ़िया तैयार किया है, क्योंकि सेवा इसके भाई की भी अच्छी है। कोहिनूर का है, कोहिनूर का कटड़ा है। नीचे सातवां महीना लग गया। ठीक है बात, दो महीने की प्रेग्नेंट। दो महीने की प्रेग्नेंट। देखें भाई 24-25 का रिकॉर्ड है, 23 किलो इसके फार्म पे आके निकालिया। और देखो भाई भाई की ये दूसरी भैंस है और उसका कठड़ा है। ये कठड़ा भी चुंगन लग रहा है, इतनी शरीफ भैंस ले रहा सारी की सारी भाई। और जिस भाई ने बात करनी है नंबर स्क्रीन के ऊपर मिलेगा, एक बार कमेंट में जरूर बताएं आपको ये जोटी कैसी लगी। आशा करता हूँ सभी भाइयों को वीडियो पसंद आएगी। आखिर तक वीडियो देखने वाले भाइयों का धन्यवाद।